हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार से दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी रिलेटेड एडमिशन के बारे में, नोटिफिकेशन के, और जानेंगे इसका डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप फिर किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब ट्रेलर, तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा मेरे चैनल का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो या आपका कोई फेलोशिप से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हो, या नोटिफिकेशन हो, या आपका साइंटिस्ट रिलेटेड रिक्रूटमेंट हो, या आपका जो है प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी वैकेंसीज होती हैं, इसके अलावा अगर जो है आपका पीएचडी एडमिशन रिलेटेड जो भी लाइक नोटिफिकेशन आते हैं यूनिवर्सिटी के, वो सारा जो कंटेंट मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप सी एस आई जे आर एफ, नेट, आई सी एम आर जे आर एफ, डी पी टी जे आर एफ, या आप जो है लाइक बी एस सी एम एस सी इंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो यहाँ पे मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो भी जॉब से रिलेटेड कंटेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे, ताकि आप मेरी आप किसी भी इस टाइप की वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो नोटिफिकेशन ये आया आईएलएस से, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, जो कि भुवनेश्वर में पे सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम वाई 39/2021 डेटेड 3rd सितंबर। तो ये जो नोटिफिकेशन वो 3rd सितंबर को रिलीज किया गया था, और यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो आपका 5th अक्टूबर 2021 है। तो देखिए, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों मेंशन कर रखा है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे एडवर्टाइजमेंट पे, तो आपका एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी लाइक एडवर्टाइजमेंट वो आप यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर पीएचडी प्रोग्राम। तो देखिए, पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो है यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। तो देखिए, यहाँ पे फैकल्टी मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे इन्होंने 4 फैकल्टीज मेंशन कर रखा है, वो साइंटिस्ट एफ, साइंटिस्ट ई, साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट डी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फैकल्टीज मेंशन कर रखा है, और साथ ही साथ रिसर्च एरिया इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो देखिए, सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको लाइक इनमें से किसी भी रिसर्च एरिया में आपको इंटरेस्टेड है, तो आप जो है इन फैकल्टी को जो है वो लाइक चूज कर सकते हैं अपने गाइड के रूप में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका एमएससी, एमटेक, एम फार्मा या एमबीएससी होना चाहिए लाइफ साइंस में, या किसी एलाइड सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी में, या और मिनिमम 60% जो है मार्क्स वो आपके होने चाहिए रिलेवेंट लाइक सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए, उन्होंने लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रखा है कि आपका सीएसआई, यूजीसी जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, यूजीसी आरजीएनएफ, आईसीएमआर जेआरएफ या डीएसटी आपका इंस्पायर आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने एक अच्छी चीज यहाँ पे दे रखी है, इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल द कैंडिडेट हैज प्रोवाइड अ फोटोकॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, या जो रिजल्ट पे डिक्लेयर हुआ वो, ठीक है। जो देखिए, यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी बिलो 28 ईयर्स ही नहीं, तो यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स मेंशन कर रखी है, और अगर आप एस सी एस टी और ओ बी सी कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है लाइक अगर आप एस सी एस टी या वुमेन्स या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर आप ओ बी सी से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम बात करें आप एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी जो आपकी रहेगी वो 500 रुपीज़ रहेगी, और ये ऑनलाइन पेमेंट रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए मैनिफेस्टी नेम, अकाउंट नंबर सारा मैंशन कर रखा है, तो आपको इन डिटेल्स पर जाके जो है 500 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें फेलोशिप की, तो फेलोशिप जो रहेगी वो आपकी सर्व डीएसटी डीबीटी जैसा, यानी कि आपके पास खुद का आपका फेलोशिप होना चाहिए। द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम आईएलएस वेबसाइट, ठीक है। तो आईएलएस वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिए, और फिलअप करने के बाद जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आपको लगानी, जितने भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, और साथ ही साथ आपको जो प्रूफ लगाना पड़ेगा, यानी कि आप ट्रांजेक्शन लाइक शो कर सकते हैं, जो भी आपने लाइक नेट बैंकिंग से किया हो या डेबिट कार्ड से किया हो, तो आपको ट्रांजेक्शन आई डी में मैंशन करने पड़ेगी एज अ प्रूफ कि आपने फी जो है वो पेमेंट कर दिया है, ठीक है। तो आपको अपना एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ योर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ पेमेंट लेके आपको सेंड कर देना द एकेडमिक सेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, नालको स्क्वायर, भुवनेश्वर, ठीक है। और आपको अपने एनवेलप पे मेंशन कर रखा है, मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, और ये जो आपका लाइक सारा जो भी हार्ड कॉपी है वो रीच होना चाहिए बिफोर 5th अक्टूबर 2021, ठीक है। इसके बाद अगर आपका जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स की लिस्ट जो अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है तो इंटरव्यू के लिए, तो आपकी जो ये लिस्ट रहेगी कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट, वो आपको इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं।
तो देखिए आप इंटर इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि देखिए लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन रिसीव करने की 5th अक्टूबर, डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू एंड अदर एप्लीकेशन इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट 7th अक्टूबर, और डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 28 अक्टूबर 2021, इन्होंने मैंसन कर रखा है, ठीक है। तो ये पूरा एडवर्टाइजमेंट हो गया है। इसके अलावा अगर हम देख लें एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और इसको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद जो है आपको अपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका नेट JRF का सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे जो है अटैच करना है, और आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट और आपका PG डिग्री का मार्कशीट। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर PhD प्रोग्राम, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना फोटो एक अटैच करना है, आपको सारा ये जो डिटेल मेंशन कर रखा है वो करना है, और आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट जरूर मेंशन करिए, और यहाँ पे फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है और आपका डिटेल और नेशनल एग्जामिनेशन जो भी आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये सारा अगर आप में से कोई भी एक एग्जाम भी है तब भी आप जो है यहाँ पे लाइक यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा, अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तब भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो आप जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो मास्टर डिग्री में आपने जो भी थीसिस जो भी आपने प्रोजेक्ट किया था वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कर सकते हैं, उसका टाइटल और ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसके बाद लिखना है लिस्ट ऑफ इनक्लोज डॉक्यूमेंट कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या जो है आपने लाइक डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए, तो वो भी आपको लिखना है, जैसे कि आपका आपने का PG डिग्री का मार्कशीट हो गया, आपका लाइक एज प्रूफ हो गया, और आपका जैसे कि जो भी CSI नेट का सर्टिफिकेट हो गया, JRF का सर्टिफिकेट हो गया वो आपको इंक्लूज करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कैटेगरी का जो भी आपका जैसे OBC SC ST जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उसका प्रूफ भी आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और साथ ही साथ आपको जो फी पेमेंट का प्रूफ वो भी यहाँ पे आपको इंक्लूज करना है। तो ठीक है, तो ये सारे जो इंक्लूज डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ लिख सकते हैं, उस पर टिक कर सकते हैं ताकि आपने ये सारे जो इन डॉक्यूमेंट है वो आपने सबमिट किए हैं, क्लियर। तो ये जो है पूरा यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से यहाँ पे दे रखा है, तो आप इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करें, जो भी आपके पास लाइक सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, जो भी आपने जो नेशनल एग्जामिनेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एडमिशन जो है सिर्फ अगर आपके पास JRF है तभी आप हो सकता है, चाहे आपका JRF CSIR हो, चाहे UGC हो, चाहे DBT DST इंस्पायर ICMR, या आदमी अगर गेट क्वालिफाई किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और GPAT भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तब भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो इसे आप अच्छे से पढ़िएगा पहले, और क्लियरली जो इसे इस फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिएगा, और आपके जितने भी टॉप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारा जो है आपको यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइक नोटिफिकेशन है जो कि PhD रिलेटेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च एरिया में और आप PhD करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस वन ऑफ द लाइक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।